मियोसिस, मियोसिस हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, आज हम इसकी सिग्निफिकेंस करेंगे। 1890 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अगस्त वेस्टमैन। इन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस डिस्कवर की, किसकी बुनियाद पर, इसकी प्रोडक्शन की। इसने कहा, इसने पॉइंटेड आउट किया कि मियोसिस वन नेसेसरी है, कि मियोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कई नंबर मियोसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी है कि ये मेंटेन रखे क्रोमोसोम के द्वारा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने कहा था कि फोर डॉटर सेल बनते हैं, के 23 मेल के, 23 की फीमेल के, हाँ यानी कि ये मेल देते हैं, ये फीमेल देते हैं, एक मेल देते हैं और एक फीमेल देते हैं। अगर ये नेक्स्ट जनरेशन में भी इसने अब 23 ही जाना है, ये इस चीज को मेंटेन रखते हैं, गैमेट्स बनते हुए नेक्स्ट जनरेशन में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 23 ही रही, 22 या 21 तो नहीं चलेगी। अगर 21 या 23 या 24 चली जाए तो वो होती है नॉर्मल, यानी एरर भी मान लेती है। 1890 में अगस्त वेस्टमैन थॉरन ने ये सिग्निफिकेंस की बुनियाद रखी प्रोडक्शन पर और इनहेरिटेंस पर। इसने कहा कि मेंडियोसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेट्स में बनते हैं या उसकी तादाद सेम है या नहीं। पहला टॉपिक है जिसकी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम की तादाद बरकरार है। इसमें हम सबसे पहले चलेंगे मियोसिस। मियोसिस एसेंशियल है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मियोसिस इज इंपॉर्टेंट इसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर हम ह्यूमन की बात करें, अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, जैसे एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन की यानी इंसान में क्या करते हैं, डिप्लॉइड गैमेट्स होते हैं हमारे पास, होते हैं डिप्लॉइड गैमेट्स। डिप्लॉइड गैमेट्स मदर सेल, यानी कि मदर जो सेल है ना, एग हमारे पास वो क्या है, डिप्लॉइड है। या इसको हम कह सकते हैं जर्म्स लाइन जो अंडर गोस मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट्स। अब इसमें आगे से क्या पैदा करने हैं, गैमेट्स तो पैदा करना है लेकिन हैप्लॉइड ये टू है ने? लेकिन इसमें क्या पैदा करना है, एंड हैप्लॉइड्स गैमेट्स पैदा करना है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट। अब इसके साथ जब हैप्लॉइड गैमेट्स हो गए, गैमेट्स में दोनों आते हैं मेल भी और फीमेल भी, मेल भी आ जाएगा और फीमेल भी आ जाएगी और मेल भी। जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड जायगोट। डिप्लॉइड जायगोट
बीच अंडरकोर रिपीटेड माइटोसिस और ये फिर पूरी उम्र माइटोसिस करते रहेगा, रिपीटेड बार बार इसमें होगी रिपीटेड माइटोसिस, इसमें माइटोसिस होगी और टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल इससे बन गए, न्यू जानवर से बन गए। लेकिन माइटोसिस के जरिए, मियोसिस के जरिए नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट सेल लाइफ साइकिल शो अल्टरनेशन। जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट्स का सेल, ये शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये इसका क्या मतलब है कि इसको अपनी पूरी ये दो नस्लों में से गुजरेगा, प्लांट अपना सेल साइकिल पूरा करने के लिए दो नस्लों से गुजरेगा, एक होगा स्पोरोफाइट और दूसरा होगा गैमेटोफाइट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट लाइफ साइकिल शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दिस सेल ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब मैं कहती हूँ ये डिप्लॉयड है, मेरे पास डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ने अंडरगो मियोसिस, अब ये मियोसिस में शुरू करेगा और ये क्या पैदा करेगा, ट्यूबर हैप्लॉयड स्पोर्स, और इसने हैप्लॉयड स्पोर्स पैदा करेगा, हैप्लॉयड स्पोर्स पैदा करेगा। हैप्लॉयड स्पोरोफाइट्स है, ये जब मियोसिस में से गुजरेगा ये हैप्लॉयड स्पोर्स पैदा करेगा, बीज ग्रो इनटू हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, फिर ये क्या बना लेगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, लेकिन ये भी हैप्लॉयड, ये पूरा एक साइकिल है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट, फिर इसने क्या करना है, इसने हैप्लॉयड गैमेट पैदा करना, गैमेट्स कंबाइन टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट, फिर ये क्या पैदा करेंगे, डिप्लॉयड जायगोट। और ये बार अब ये बार बार माइटोसिस में जाएगा, माइटोसिस इसमें सोची जाएगी तो इसका और क्या बनेगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ये देखते हैं सबसे पहले प्लांट सेल में क्या होती है, अल्टरनेशन जनरेशन होती है, दो तरीके से होती है, स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स। ये मेरे पास है स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स, स्पोरोफाइट और कौन से स्पोरोफाइट्स हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स हैं, जब ये मियोसिस में से गुजरेंगे तो हैप्लॉयड स्पोर्स बना देंगे। अब हैप्लॉयड स्पोर्स ने दोबारा ये पहले स्टेप है, हैप्लॉयड स्पोर्स दोबारा जब इसमें मियोसिस हो गए तो ये जिसमें से गुजरेंगे ये बनाएंगे हैप्लॉयड गैमेटोफाइट्स, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट्स बनाएंगे हैप्लॉयड गैमेट्स, हैप्लॉयड गैमेट्स बनाएंगे डिप्लॉयड जायगोट, डिप्लॉयड जायगोट में जब माइटोसिस में से गुजरेंगे ये सारे बनाएंगे डिप्लॉयड जायगोट। नंबर टू है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्रोमोसोम पेयर ऑफ ईच पेरेंट अंडरगो, अब लोगों को जैसे कि मैंने बताया है कि मियोसिस में जब क्रॉसिंग अवर होती है तो क्रॉसिंग वगैरह के दरमियान में जो आता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपना सेगमेंट चेंज करता है, उस वक्त
जो ये वेरिएशन होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्शन वेरिएशन उस वक्त होती है जब क्रॉसिंग ओवर होती है, क्योंकि एक आपस में दूसरे का सेगमेंट चेंज हो चुका होता है। जब गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं और जायगोट बन जाते हैं, तो जब ये गैमेट्स हैं फीमेल और मेल, ये दोनों गैमेट्स हैं, जब ये दोनों जायगोट बन जाते हैं, तो इन दोनों एक दूसरे से आते हैं, जायगोट में आ जाते हैं। The meiosis allows species to bring variation in next generation. तो ये होता है कि ये स्पीशीज है, जैसे कि एनिमल्स की हो जाए या किसी और प्लांट स्पीशीज हो जाए, जिसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे इनमें इनकी खसूसियात होंगी। अक्सर क्या होती है, जो पेरेंट्स में खसूसियात होती है वो बच्चों में नहीं आती, लेकिन जो बच्चों में जो खसूसियात आती है वो इनके पेरेंट्स में आती है, फोर फादर्स में से आती है। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप की वजह से होता है। Beneficial variation help organism to adapt the two changes in environment. और ये environment की मुताबिक इनकी variation change हो जाती है। ये था प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। कि एक मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, उस वक्त क्या होती है, जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट मियोसिस में यानी कि क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज टू में, उसके बाद क्या होती है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से जायगोट बनता है। अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ऑफस्प्रिंग होते हैं उसकी पेरेंट्स जैसी खसूसियात नहीं होती, बल्कि उनकी फोर फादर जैसी होती है, और अक्सर जो वेरिएशन आती है वो एनवायरमेंट की वजह से भी बच्चों में चेंजेस हो जाती हैं। नेक्स्ट है एरर्स इन मियोसिस, मियोसिस में एरर। एनाफेज में देखें, हम बात करते हैं ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज वन में, एनाफेज वन में क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। ये पहले मैं डिटेल्स आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जो सेंट्रियोल्स होते हैं तो उसको ऑपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम को खींचते हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। इससे क्या होते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम बात करें एनाफेज टू की, इसमें क्या होता है, जब इसमें भी ऑपोजिट पोल की तरफ जाएगा क्रोमोसोम से अलग होना, लेकिन इसमें जब ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे तो इसमें सिस्टर क्रोमोसोम ने अलग होना, इसमें आना है सिस्टर क्रोमोसोम, एनाफेज वन में क्रोमोसोम ने और इसमें सिस्टर क्रोमोसोम ने। ये जो फेस है कि एनाफेज टू में जब सिस्टर क्रोमोसोम अलग होते हैं, हम इसको कहते हैं जंक्शन, डिसजंक्शन। अक्सर क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमोसोम होते हैं ना, ये अब नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल तरीके से ये सेपरेट नहीं होते हैं, ये होते हैं अब नॉर्मल, तो मैं कहूंगी ये नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। फिर इसके नतीजे में क्या होते हैं, नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो अब नॉर्मल होते हैं और नॉर्मल। तो जब ये वाला गैमेट्स अब नॉर्मल गैमेट्स जब ये फ्यूज करेगा किसी नॉर्मल के साथ, ये अब नॉर्मल गैमेट्स जब फर्टिलाइज करेगा किसके साथ, नॉर्मल वन के साथ, इसके नतीजे में अब नॉर्मल
ऑफस्प्रिंग खत्म हो चुकी है, ये जो जायगोट होगा वो क्या होगा, अनॉय। जैसे कि मैं करती हूँ, यानी कि इसका मतलब होगा जो अब क्रोमोसोम है ना उसकी तादाद अब नॉर्मल होगी, क्योंकि अब नॉर्मल क्रोमोसोम की वजह से ये सारा कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं हमारा, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल में 46 है क्रोमोसोम की तादाद, इसलिए 46 ही आगे चला गया, यानी कि 46 है तो 46 ही आगे अगली जनरेशन में कम मुंतकिल होगा। अब नॉर्मल में क्या होते हैं, अगर 46 है ना तो ये या तो 45 जाएगा या तो ये 47 जाएगा। क्रोमोसोम की कमी या ज्यादा की वजह से क्या होगा, अब नॉर्मल जनरेशन पैदा होगी। ये थे एरर्स इन मियोसिस।